हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्वी काले लॉक्स। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और अभी हम लोग घूमने जाने वाले हैं बहुत अच्छी जगह पे, यानी कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और मानसून की ये हमारी पहली ट्रिप है क्योंकि अभी तक हम लोग कहीं नहीं गए हैं और पुणे में बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सो पुणे का असली मजा घूमने का बारिश में ही है। सो आज देखते हैं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है सो गो गाइज, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रैवल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मेरी इंस्टा आईडी भी मैंने नीचे मेंशन करी है। सो आप मेरी इंस्टा आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गो गाइज। सो गाइज, सबसे पहले लेते हैं बाबा महाकाल का नाम। सो जय श्री महाकाल। और हम लोग जाने वाले हैं आज खंडोबा के दर्शन करने, यानी कि हम लोग जा रहे हैं जेजुरी। सो करेंगे आज हम खंडोबा के दर्शन। और ये रहा पूरा क्लाइमेट बहुत ऑसम हो रहा है और धीमी धीमी सी बारिश स्टार्ट हो गई है और बादल भी पूरे ब्लैक हो चुके हैं। सो बहुत तेज बारिश आने वाली है और हम लोग घाट सेक्शन से जाने वाले हैं। सो हमें डेफिनेटली हम लोगों को बारिश लगने वाली है और हम लोग दिखाएंगे आज आपको पूरा घाट सेक्शन जो बहुत सुंदर है। सो गाइज, अभी हम लोग हैं सीएनजी पंप पे और ये हमारे घर के ठीक बिल्कुल ही पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। और सीएनजी के रेट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, आज शायद 82 समथिंग हो गया है। और ये देखिए कितनी सारी गाड़ियां सीएनजी पंप के लिए है, सभी सीएनजी भरवाने आए हैं और दिन पे दिन सीएनजी का रश भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सो गाइज, क्लाइमेट बहुत सुंदर है और हमें ऐसा ही क्लाइमेट पूरे रास्ते में मिलने वाले हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। सो सारा क्लाइमेट वैसा ही रहने वाला है। और ये रहा पूरा वेदर, बहुत सुंदर वेदर है आज का। और पुणे की बारिश तो वैसे ही वर्ल्ड फेमस है, सो बारिश भी मुझे बहुत पसंद है और पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया है बारिश से। सो गाइज, अगर आप लोग पुणे से हैं या पुणे आप घूमने आना चाहते हैं सो आप बहुत सारी जगह घूम के एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि लोनावला, खंडाला, लवासा, तामिनी घाट, ये बहुत सारी जगह जहां पर आपको बहुत अच्छा बारिश और ठंड में क्लाइमेट मिलने वाला है। और गर्मी में पुणे में घूमने लायक कुछ नहीं है क्योंकि सारी ग्रीनरीज पे ही डिपेंडेंट है पुणे। सो आप बारिश या ठंड में ही आए। और उसके बाद में बहुत सारी और भी छोटी छोटी जगह है जो हम लोग कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। सो अभी एंजॉय करते हैं जेजुरी ट्रिप। पहाड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं और मैं इंस्टा पे जो अपनी रील्स डालती हूँ वीडियोस की घाट वगैरह की, सो यही घाट है जो मेरे घर से दिखता है। और गाइज, अभी हम लोग जहां पर रुके हुए हैं सासवड़ के घाट में, वहीं से ये जो आप देख रहे हैं पूरा मस्तानी तालाब है, पूरा तालाब जैसा आपको जो दिख रहा है, और यहां से पुणे बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा नजारा है। सासवड़ और सासवड़ से जेजुरी 18 किलोमीटर ही दूर है, सो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और आई होप कि ज्यादा भीड़ ना हो क्योंकि संडे है आज और संडे को खंडोबा का मेन दिन होता है, सो ज्यादा भीड़ रहेगी मुझे ऐसा लग रहा है। सो देखते हैं कितनी भीड़ है। और वैसे आसपास के लोग जाते ही हैं जेजुरी के दर्शन करने के लिए और क्लाइमेट। तो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं जेजुरी और अभी हम लोग उसी रोड पर हैं और देखते हैं अभी हम लोगों के कितने देर में दर्शन होते हैं। तो गाइज, मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं और ये जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है। और अभी हम लोग यहाँ गाड़ी पार्क करने वाले हैं, यहाँ लिखा हुआ है पार्किंग। और ये पार्किंग चार्ज नहीं है 50 रुपीज, ये नगर परिषद जेजुरी का कोई पार्किंग चार्ज है और ये है 50 रुपीज़। और अगर आप बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं जैसे कि ट्रैवल वगैरह की गाड़ी लेकर आते हैं उसका चार्ज 70 रुपीज़ है, और नॉर्मल गाड़ी जो अपनी कार वगैरह का है उसका 50 रुपीज़ है। और अभी हम लोग गाड़ी पार्क करने वाले हैं, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है पार्किंग वाले भैया ने बोला है। सो ये देखिए पूरा पार्किंग फुल है और अभी हम लोगों को भी जगह नहीं मिली है गाड़ी लगाने की। सो देखते अभी कहाँ हम लोगों को जगह मिलती है।
गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी है। अभी हम लोग खंडोबा के लिए हल्दी और खोपरे का प्रसाद लेंगे, और यहाँ पर हल्दी और खोपरा ही मेन होता है, इसीलिए खंडोबा के मंदिर को यानी जेजुरी को सोने की जेजुरी कहते हैं। और गाइज आज है संडे, सो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रश है। मंदिर में एंट्री करते हैं, सो हमें सबसे पहले मिलते हैं गणेश जी। तो ये रही गणेश जी की प्रतिमा, सो आप सबसे पहले यही दर्शन करें आए तो। गाइज ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार, हमें यहीं से ही एंट्री करनी है। और मंदिर के तीन गेट है, सो आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने फ्रंट से एंट्री ली है और यहाँ पर करीबन 200 सीढ़ियां हैं, सो अभी हमें 200 सीढ़ियां चढ़नी है। सो गाइज यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से फोटोज भी खींचते हैं। सो ये जो आप टोपियां देख रहे हैं ये सारी महाराजा टोपियां हैं, और तलवार से बिल्कुल ऐसे ही फोटो खींचे जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फोटोज वगैरह, सेम वैसे ही फोटोज खींचे जाते हैं। सो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जो भी वो लोग फोटो खींचते हैं तो उसका पर फोटो 100 रुपीज होता है, और वो फिर आपको हार्ड कॉपी देते हैं, और मोबाइल में आप कितने भी फोटोज खींच सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए मंदिर के बिल्कुल पास में, यानी कि यहाँ से सिर्फ 20-30 सीढ़ियाँ ही बची हुई है, और ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा रश है। और इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर कि हम लोगों को खड़े रहने की जगह नहीं मिली थी, बिल्कुल धक्का मुक्की करके हम लोग आगे जा रहे थे। ये देखिए पूरा रश कितना ज़्यादा है। तो गाइज यहाँ पर हल्दी उड़ाते हैं, इसीलिए इसको सोने की जेजुरी कहा जाता है। ये पूरा मंदिर हल्दी से होता है, सो ये येलो येलो दिखता है। और ये देख सकते हैं आप पूरा क्लाउड, कितना अच्छा मंदिर दिख रहा है क्लाउड की वजह से, ये देख सकते हैं आप। और पूरा मंदिर येलो है, ये देखिए पूरा येलोइश आपको दिखेगा। और अभी मैं ढूंढ रही हूँ अंदर जाने का रास्ता कि अंदर कहाँ से जाएंगे, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से जाना है। तो अभी देख रही हूँ मैं कि रास्ता किधर से जाएंगे। गाइज नॉर्मल दर्शन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 3 से 4 घंटे अप्रॉक्स हम लोगों को लगेंगे। सो अभी मैं देख रही हूँ कि अगर पासेस अवेलेबल हो जाएं, यानी कि वीआईपी पास अवेलेबल हो जाते हैं, सो अभी हम लोग वीआईपी का मैं वही देख रही हूँ कि वो काउंटर कहाँ पर है, सो उसी से ही दर्शन करेंगे हम लोग। करने वाले वीआईपी दर्शन पर पर्सन 200 रुपीज है, सो पीयूजी और मेरा मिला के 400 रुपीज हुआ है। और बहुत ज्यादा भीड़ है और वीआईपी दर्शन में इन लोगों ने कहा है 10 मिनट में दर्शन हो जाए, सो कर रहे हैं हम अभी दर्शन। और ये रहा एंट्री गेट। तो अभी हम लोग बैरिक के आ गए हैं गर्भगृह में वीआईपी दर्शन से, और ये रहा पूरा मंदिर। मंदिर के अंदर यहाँ पर भी पूरी हल्दी हल्दी है, और वैसे वीडियो लेना अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया है, सो आप देख सकते हैं थोड़े से दर्शन आपके भगवान के हो जाएंगे। हम लोग मंदिर में से बाहर निकले तो हमने वहाँ पर रोटी भरी है, और अभी हम लोग पंडित जी से कड़ी भरवा रहे हैं। और यही जो सामान होता है श्रृंगार का, वही हमें तुलजा भवानी मंदिर में माता जी को चढ़ाना होता है। तो अभी सब यही करने के लिए अंदर मंदिर में जा रहे हैं। जो रोटी दी होती है वहाँ से वो यही रखनी होती है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सब ने अपनी अपनी रोटियाँ रख रखी है जो मंदिर से मिलती है। और ये है तुलजा भवानी का मंदिर। फाइनली दर्शन करके तो हम लोग बाहर निकल गए हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग कितनी ज़्यादा हल्दी में हो गए, सब यहाँ पर पीले पीले हो जाते हैं आके हल्दी उड़ाते हैं। सो और मंदिर बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, आप आकर दर्शन ज़रूर करना जेजुरी के। सो गाइस नीचे जाते समय हमें कुछ ऐसा सा व्यू मिला है, और देखिए ये पूरा जेजुरी है।
सो गाइज यहाँ पर आपको बहुत सारा सामान मिलेगा, आप पूजा का सारा सामान ले सकते हैं, और जैसे छोटी मोटी रिंग वगैरह, चेन वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, बच्चों के खिलौने वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लास्ट में सबसे नीचे आते आते यहाँ पर आपको नंदी महाराज मिलेंगे, सो आप नंदी महाराज के भी जरूर दर्शन करना। सो गाइस दर्शन हमारे हो गए हैं और मिनिमम हम लोगों को एक घंटा दर्शन के लिए लगा है, और मैं बहुत ज्यादा पीली पीली सी हो गई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हल्दी खेली है वहाँ पर सभी ने, और वैसे ही वहाँ पर हल्दी उड़ाते हैं सो येलो हो ही जाते हैं। और अभी हम लोग खाने वाले हैं खाना, क्योंकि हम लोग घर से खाना खाकर नहीं आए थे, सो अभी हम लोग खाना खाएंगे और देखते हैं। यहाँ की बहुत फेमस मिसल है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मिसल कहाँ से खाई थी। सो अगर आप इस रूट से आए सासवड रोड से तो आप वो मिसल खा सकते हैं, बहुत टेस्टी मिसल है वो। तो गाइस अब हम लोग घर जा रहे हैं, और रास्ते में हमें कुछ ऐसा सा मौसम मिला है, क्लाउड बहुत सुंदर है, ये देख सकते हैं आप पूरी वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है। और अभी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ है, यानी कि थोड़ी सी धूप हुई है, फिर भी आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स कितने अच्छे हैं। गाइस अभी हम लोग रुके हुए हैं नर्सरी के पौधे लेने के लिए, और अभी हम लोग हैं ग्रीन लाइट नर्सरी है, और ये सासवड और पुणे के बीच में पड़ती है, और मैंने लिए हैं जो प्लांट्स वो मैं आपको बताती हूँ। उज्जैन गई थी ना, सो हम लोग घर पे नहीं थे, पीयूष जी भी नहीं थे, मैं भी नहीं थी, सो पानी डालने के लिए पौधों में कोई नहीं था, सो मेरे प्लांट हो गए थे खराब और मुझे प्लांट लेने ही थे। सो यहाँ पर रस्ते में ग्रीन नर्सरी पड़ी थी, सो हम लोगों ने वहीं से प्लांट लिए हैं, और पीयूष जी मुझे बहुत चिल्ला रहे थे कि अभी मत ले पौधे मत ले, पर मुझे लेना ही था क्योंकि यहाँ पर थोड़े से सस्ते पौधे मिल जाते हैं, 10-20 रुपए का डिफरेंस पड़ता है पुणे से सासवड़ में अगर अपन प्लांट लेते हैं। और क्योंकि पौधे बहुत ज्यादा गीले थे, क्योंकि काका ने भी पानी दिया था नर्सरी को, सो सारे ही प्लांट गीले थे और गाड़ी खराब हो रही थी, सो मुझे चिल्ला रहे थे कि मत ले, बट मैंने प्लांट ले लिए है और अच्छे से रखे गाड़ी में, और मैं आपको वीडियो बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट लिए, सो मैं भी इसमें ज्वाइन करूंगी कि मैंने कौन से प्लांट लिए। सो गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है, सो गो गाइज जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रैवल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, सो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मेरी इंस्टा आईडी भी मैंने नीचे मेंशन करी है, सो आप मेरी इंस्टा आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गो गाइज।